मैडम सामने थैंक यू गाड़ी चढ़ाते I think it's a beautifully made film. Suspense jo hai, I think it's a must watch for everybody. I've seen all the versions, Malayalam, Tamil and now the Hindi one. I think Ajay was brilliant as usual. It's a must watch film. Thank you. अच्छा आपके मुताबिक रीमेक बनाना कितना मुश्किल होता है, खास करके हिट फिल्मों का रीमेक बनाना? बहुत ही मुश्किल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैचअप करने को मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट निशिकांत कामत इज इन अ वेरी वेरी गुड जॉब. इट्स नॉट ईजी. सारे एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, बट आई लव अजय, यू इज टू गुड. टू गुड. थैंक यू. एक मिनट एक बैठ सरज भाई, बैठ सरज भाई. मुझे बहुत अच्छी लगी फूस, बहुत मुझे बहुत मजा आया फिल्म देख के. मुझे अजय तबू का काम बहुत पसंद आया, सबका काम बहुत अच्छा है. ऋषि ने बहुत 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 अमेजिंग फिल्म बनाई है, बहुत ही ग्रिपिंग है, और एक सेकंड भी थिएटर में कोई भी बोल नहीं रहा था, सब बहुत इंग्रॉस थे. तो मुझे बहुत मजा आया देखने में, मुझे लगता है आप लोगों को भी आएगा. जी क्रिटिक्स काफी सराह रहे हैं, 4.5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार. जी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं इस बात से. ऑफकोर्स क्योंकि ये फिल्म की कहानी ही इसका सबसे बड़ा USP है. बहुत ही ग्रिपिंग कहानी है, और स्पेशली भी मैंने काम देखा अजय का, तब्बू का, मुझे बहुत पसंद आया. और मैंने भी अपने मॉम एंड डैड के साथ देखी, तो मुझे वक्त नहीं मिला उनसे पूछने का, मुझे लगा उनको अच्छी लगी. जी मैंने किसी से बात ही नहीं करी है, मेरी माँ और मेरे पापा को बहुत अच्छी लगी फिल्म. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी माई डैड वेरी प्राउड एंड हैप्पी. जी उन्हें बहुत पसंद आई, वो बता रही थी मुझे कि उनको बहुत पसंद आई फिल्म. मैं उनसे शुरुआत में मिली थी, तो बहुत एक्साइटेड भी थी वो. जी फिंगर्स क्रॉस्ड आप लोग भी देखें, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी.